ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्टोग्राम। अब आपके पास कभी भी हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का आए या हिस्टोग्राम का कोई सवाल आए, आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक क्लास इंटरवल, हमेशा इस पे फोकस करेंगे आप, और दूसरा क्लास वेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है अभी हम देखते हैं। क्लास इंटरवल मतलब जहाँ पर आपकी पहली क्लास एंड हो रही है, क्या वहाँ से आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसे कि ये क्लास मेरी ख़त्म हुई 20 पर और ये क्लास मेरी स्टार्ट हुई 20 से, तो ये दोनों मेरे सेम हैं। आगे देखें, ये क्लास ख़त्म हुई मेरी 40 पर और ये शुरू हुई 40 से, इसका मतलब ये भी मेरे सेम है। और सेम चीज़ है मेरे पास, यहाँ भी दोनों क्लासेस सेम हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। पहले आपने ये चेक करना होता है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है आपने, क्लास की विड्थ। चले भाई, क्लास इंटरवल सेम है, अब इनका विड्थ क्या है, इनका गैप क्या है। इसका गैप अभी आ रहा है आपके पास 20, इसका गैप कितना है आपके पास 40 माइनस 20, इट्स 20। लेकिन इसका गैप क्या हो गया आपके पास 50 माइनस 40, इट्स 10। 70 माइनस 50, इट्स 20। सो क्लास विड्थ आपके पास चेंज हो रही है। सो इफ़ यू हैव क्लास विड्थ सेम, तो आपका हिस्टोग्राम बहुत ही आसान बन जाएगा। दैट विल बी अ सिंपल हिस्टोग्राम। सिंपल क्यों होगा, क्योंकि आप वाई एक्सिस पे सिंपल फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे और एक्स एक्सिस पर आप अपनी क्लास इंटरवल्स प्लॉट कर दोगे, जो कि आपके सामने इस वक्त दी हुई हैं। ठीक है ना, ये आप डायरेक्टली ऐसे क्लास इंटरवल प्लॉट कर दोगे अगर आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल सेम है। ऑलराइट, लेकिन अगर आपके पास क्लास विड्थ सेम नहीं है, जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम निकालेंगे क्लास विड्थ आर नॉट सेम, और यू कैन से अनइक्वल क्लास विड्थ। तो उसके लिए आप एक चीज़ निकालोगे, जैसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और इसका वर्किंग फार्मूला क्या होता है, इट सेज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास विड्थ सेम नहीं है, इनकी 20 है लेकिन इसकी 10 हो गई, तो जब आपके पास क्लास विड्थ सेम नहीं होगी तो आप निकालेंगे वहाँ पर एक और कॉलम बना के, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ऑलराइट, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, अगर मैं इसकी आपको फ्रीक्वेंसीज दूं, सो लेट सपोज ये मेरे पास 4 है, इट्स 5, इट्स 2 एंड इट्स 6, ये आपको दी जाएंगी फ्रीक्वेंसीज। सो फॉर फर्स्ट पार्ट द वर्किंग फार्मूला सेज फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ। अब ये जो क्लास विड्थ है आपके पास, इट्स 20, सो दैट विल बी 4/20, इट विल बी 5/20, इट विल बी 2/10 एंड इट विल बी 6/20। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपके ग्राफ में वाई एक्सिस पर आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर आएगी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से मतलब क्या हुआ, एक्स पर आएगा 0, 20, 0 आएगा, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे चलेगा जो आपकी वैल्यूज यहाँ पर दी हैं। ये आपका क्लास इंटरवल है। लेकिन y एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब आता है, जब आपके पास क्लास विड्थ सेम ना हो, जिसको हमने कहा था अनइक्वल क्लास विड्थ। तो यहाँ पर मैं अनइक्वल लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो इफ़ द क्लास विड्थ आर अनइक्वल, तो उसके बाद आपको जाना होगा हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ, ये मैंने निकाल के दिखाई। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ आपने निकाली, FD निकाला, FD आपके पास हमेशा y एक्सिस पर आएगा, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको केसेस बताए जब आपका क्लास विड्थ सेम हो या आपका क्लास विड्थ चेंज हो रहा हो। अब आते हैं क्लास इंटरवल्स पर। इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपकी पहली क्लास ख़त्म हुई वहाँ से आपकी दूसरी क्लास शुरू ना हो। अच्छा, ऐसा क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास दो ग्राफ्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमका एक कॉन्स्टेंट गैप आ रहा होता है, कॉन्स्टेंट गैप आ रहा है, जबकि हिस्टोग्राम गैप्स को अलाउ नहीं करता। ऑलराइट, तो ये जो मैंने बनाया है दैट इज़ योर हिस्टोग्राम, और जो लेफ़्ट साइड पे बनाया है दैट इज़ योर बार ग्राफ। तो याद रखिएगा, बार ग्राफ में आपके पास गैप आता है, जबकि हिस्टोग्राम में आपके पास देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन हिस्टोग्राम। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये इंटरवल आपके चेंज हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ग्राफ में गैप आएगा, उस गैप को आपको ख़त्म करना है। उस गैप को ख़त्म कैसे करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं बाउंड्रीज़। तो हमारे पास होगी एक लोअर बाउंड्री और एक आपके पास होगी अपर बाउंड्री। अच्छा, करना क्या होगा,
हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने इन नंबर को सेम करना है. तो इनका जो नंबर का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है. जो भी डिफरेंस आएगा उसको हाफ डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये बनेगा 0.5. तो अपर वाले में आप 0.5 ऐड करोगे और लोअर से आप 0.5 को माइनस करोगे, हमेशा ही करेंगे, ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे जो लोअर एट 0 मैंने माइनस किया 0.5, तो दैट विल बी माइनस 0.5. अपर क्या है मेरे पास 9 में 0.5 को ऐड किया, इट विल बी 9.5. यहाँ पर आपके पास लोअर क्या है, 10. लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 0.5 9.5, और अपर में आप 19 में ऐड करोगे दैट विल बी 19.5. यही काम यहाँ करेंगे, लोअर से 0.5 माइनस तो 19.5, अपर में 0.5 ऐड तो 29.5, लोअर से 0.5 माइनस तो 29.5, अपर में आपने ऐड किया तो दैट विल बी 49.5. ये काम आपने कब करना है, जब आपके इंटरवल जो है वो डिफरेंट हो. जैसे यहाँ पर आपके इंटरवल डिफरेंट आए थे, जब इंटरवल डिफरेंट आएंगे आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई मैंने इन दोनों को सेम करना है. इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं और उसको हाफ कर देंगे. जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ इसका, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 - 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0.5. तो 0.5 को आपने ऐड किया अपर बाउंड में और सबट्रैक्ट किया आपने लोअर क्लास से, तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गए. अब देखते हैं, लेकिन ये ख़त्म हुई 9.5 पर और ये शुरू हुई 9.5 पर, सेम हो गया. इसी तरह 19.5 और 19.5 सेम हो गया, 29.5 29.5 सेम हो गया. इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जो आपका वो गैप था, अब यहाँ पर कोई गैप मौजूद नहीं है, कोई भी गैप मौजूद नहीं है. ये तो हो गया आपका बाउंड्रीज़ का मसला हल. अब आते हैं इंटरवल्स विड्थ के ऊपर. इसकी विड्थ क्या आ रही है आपके पास, दैट इज़ अच्छा यहाँ पर विड्थ अब यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है ना. अब आप विड्थ देखोगे यहाँ पर. अगर मैं कहूँ कि इसकी क्लास विड्थ क्या आ रही है, मैं एक कॉलम बना देता हूँ, बल्कि एक कॉलम बना लेते हैं हम क्लास विड्थ का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए. अब यहाँ पर जो विड्थ आ रही है दैट इज़ 10, इसकी विड्थ क्या आ रही है, 19.5 माइनस 9.5 10, 29.5 10, 49 एंड 29 दैट विल बी 20. अगेन आपके साथ मसला क्या हुआ कि आपकी विड्थ जो है वो सेम नहीं है. जब विड्थ सेम नहीं होती तो हमें क्या निकालना होता है, वी नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सही है ना. अब ये जो आपका केस है, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं. यहाँ पर हमने बाउंड्रीज भी निकाली हैं और अब हम FD भी निकालने वाले हैं. तो पहली बात, मैं यहाँ पर आपको एक हाइपोथेटिकल सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता हूँ. एक मिनट, हाइपोथेटिकल की वैल्यूज हम ले लेते हैं. लेट्स सपोज हमने कहा ये 8 है, ये मेरे पास 21 है, इट्स 53 एंड इट्स 28. ये कुछ वैल्यूज़ आ गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर. फ्रीक्वेंसी के आपके पास 8, क्लास फिट कितनी है मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज़ 10, इट्स 0.8. नेक्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी के आपके पास 10, क्लास फिट क्या है आपके पास, सॉरी फ्रीक्वेंसी के आपके पास 21, क्लास फिट 10 है, दैट विल बी 2.1. फ्रीक्वेंसी क्या है 53, क्लास फिट क्या है 10, इट्स 5.3. फ्रीक्वेंसी के आपके पास 28, क्लास विड्थ क्या है 20 विच इज़ इक्वल्स टू 1.4. आ गए भाई आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास बाउंड्रीज भी आ गए, आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी आ गई. अब बनेगा आपका डायरेक्टली हिस्टोग्राम. जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो ये बात तो कन्फर्म्ड है कि आपके पास वाई एक्सिस पे कौन होगा, इट विल बी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा. वॉट अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपकी होंगी बाउंड्रीज. अब ये ग्राफ मेरा स्टार्ट होगा माइनस 0.5 से, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेट से दैट इट इज़ नेगेटिव 0.5. कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 9.5 तक, उसके बाद कहाँ तक जाएगा 19.5 तक, उसके बाद 29.5 तक, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. मैं आपके साथ ये वाली वैल्यू देख रहा हूँ, ठीक है ना. 29.5 के बाद कहाँ जाएगा ये 49.5 पर, तो अगली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 49.5. ऑलराइट, तो ये सारी वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी. कौन कौन सी वैल्यू प्लॉट की हैं, हमने ऐसे चलते हैं, हम ये सारी वैल्यू हमने प्लॉट कर दी, क्लियर है. अब आपके पास FD की वैल्यू क्या आ रही है, लोवेस्ट वैल्यू आ रही है 0.8 और हाईएस्ट आ रही है मेरे पास 5.3. तो मैं एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आ गया लेट्स सपोज 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 6. एक हाइपोथेटिकल ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको ये बता रहा हूँ. पहली क्या आपके पास, जब आपके पास FD की वैल्यू 0.8 है, तो माइनस 0.5 से लेकर 9.5 तक आ रहा है 0.8, मतलब ये ग्राफ मेरे पास कुछ 0.8 है, तो 0.8 मतलब 1 से करीब करीब होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला बार, ठीक है. उसके बाद 9.5 से लेकर 19.5 तक, 9.5 से 19.5 तक की जो आपकी FD आ रही है दैट इज़ 2.1, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हम भी ऐसे ही बनाएंगे इसको,
टू से थोड़ा सा ऊपर कर दिया. ऑलराइट, सो दैट इज़ योर नेक्स्ट बार. उसके बाद 19.5 से लेके 29.5 तक. अब क्या आ रही है वैल्यू, पहले वैल्यू देखते हैं. 19.5 से लेके 29.5 तक आ रही है 5.3. तो अब हमारा बनेगा बार 5.3 के ऊपर. दैट मीन्स 4 से थोड़ा ऊपर होगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा. ऑलराइट, और उसके बाद मेरे पास आ रहा है 1.4. तो अब जो बनेगा वो नीचे आ जाएगा, 2 से भी नीचे आएगा, 1.4 लेट सपोज के ऐसा कुछ बनेगा. ऑलराइट, ये वैल्यू स्ट्रेट नीचे आएगी. तो ये आपका बनेगा हिस्टोग्राम. याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन हिस्टोग्राम का आएगा आपके पास दो चीज़ें चेक करनी होंगी, क्लास इंटरवल और एक क्लास फिट. अगर क्लास फिट सेम है, सिंपल केस है, आराम से हिस्टोग्राम बन जाएगा. क्लास फिट अगर सेम नहीं होगी तो आप हमेशा निकालोगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास फिट. ये तो हमारा पहला केस था. अगर आपका क्लास इंटरवल सेम है, बहुत अच्छी बात है. अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज. अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री. अल्टीमेट गोल क्या होता है कि इन नंबर्स का जो गैप है उसको रिमूव करना है. कैसे करते हैं, दोनों को हम माइनस करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं. जो आंसर आएगा उसको हम लोअर में से माइनस करेंगे. लोअर कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड वाली. अपर कौन सी होती है, राइट हैंड वाली. लोअर में से माइनस करेंगे और अपर में हम लोग ऐड करेंगे हर किसी की क्लास में. तो जब आपने इसको किया तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपके जो इंटरवल थे वो सेम आना शुरू होगा, जो हमारा अल्टीमेट गोल था. जब ये आपके सेम आ गए तो आपने एक्स एक्सिस पर अपने इंटरवल्स को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पर आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम.